संसद के मानसून सत्र का गुरुवार यानी कि 3 अगस्त को 11वां दिन रहा। इस दौरान लोकसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास किया है। वहीं स्पीकर ओम बिरला ने आप सांसद सुशील कुमार रिंकू को बाकी बचे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। रिंकू को निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी लेकर आए थे। रिंकू पर बेल में आकर कागज फाड़ने का आरोप लगा है। लोकसभा में 2 बजे दिल्ली अध्यादेश विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा कि विपक्षी दलों को गठबंधन का नहीं बल्कि दिल्ली का सोचना चाहिए। एक बात तो तय है कि चाहे कितना भी अलायंस कर लें, लेकिन सरकार तो नरेंद्र मोदी की ही आ रही है। शाह ने यह भी कहा कि मणिपुर पर जितनी चर्चा चाहे कर लें, मैं जवाब देने को तैयार हूं। गृहमंत्री के बोलने के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि शाह के मुंह से नेहरू जी की तारीफ अच्छी लगी। परंतु आज चर्चा हुई इसका मुझे आनंद है। मेरा एक छोटा सा सवाल है ये विपक्ष के सारे मित्रों को कि संसद ने अब तक इस बैठक के अंदर ये सत्र जब से शुरू हुआ तब तक 9 बिल पास कर लिए। सारे बिल अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण थे, माननीय अध्यक्ष, हर क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिल थे। उसमें इन्होंने कहा पीएम आकर जवाब दे, पीएम आएंगे तभी संसद चलने लगे। आज क्या हो गया है? आज इस बिल में मैं तो स्वागत करता हूं, आपने चर्चा की, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो चाहता हूं हर रोज ही आ जाइए, परंतु आज क्या हुआ है? क्या डेमोक्रेसी की चिंता है? तो डेमोक्रेसी की चिंता है तो हर एक बिल महत्वपूर्ण। क्या देश की चिंता है? तो किसानों के लिए भी बिल आया, बाकी सारे विषय के लिए भी बिल आए,